दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। बीजेपी के शॉर्टकट की हवा निकल चुकी है, ऐसे कि अब बड़े बड़े अखबारों में बड़े बड़े आर्टिकल्स छापे जा रहे हैं कि बीजेपी के शॉर्टकट का क्या हाल हुआ है। दोस्तों, बीजेपी ने हाल के सालों में राजनीति में एक शॉर्टकट अपनाया कि जिस राज्य में आप चुनाव जीत गए बहुत बढ़िया, सरकार बना लो, लेकिन जिस राज्य में चुनाव जीतना मुश्किल है वहां एक काम कर दो, वहां सबसे मजबूत पार्टी के टुकड़े कर दो, बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर दो, या फिर ईडी सीबीआई तो है ही। ये बात सही है कि इस शॉर्टकट का बीजेपी को कई राज्यों में फायदा भी हुआ, कई राज्यों में जोड़ तोड़ की सरकार बनी, बल्कि जोड़ तोड़ की सरकारों का पूरा सिलसिला शुरू हो गया पिछले 10 सालों में। लेकिन हर चीज की कोई तो सीमा होती है ना। अब बीजेपी के इस शॉर्टकट की हवा निकल चुकी है, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब ये शॉर्टकट काम नहीं आने वाला है, और जनता ही इसकी हवा कैसे निकालने वाली है सब कुछ मैं आपको तफसील से बताने वाली हूँ। लेकिन झारखंड में क्या ड्रामा चल रहा है तो आप जानते ही हैं दोस्तों। चंपाई सोरेन, जिन्होंने अपनी पार्टी को अलविदा कह दिया है और अब वो सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, वो चंपाई सोरेन जिनको हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनाया था तब जब वो जेल में गए थे, हेमंत सोरेन बाहर आए, उसके बाद वो दोबारा से सीएम बन गए, चंपाई सोरेन को पद से हटाया, तो चंपाई सोरेन अब नाराज हो गए हैं और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हालांकि मैं मानती हूँ दोस्तों कि ये इंडिया गठबंधन और हेमंत सोरेन की एक तरह से नाकामी है कि वो एक ऐसे आदमी पर विश्वास कर रहे हैं आज के दौर की राजनीति में जिस पर उनको इतना भरोसा नहीं है कि अगर वो दोबारा जेल से बाहर आ जाते हैं और दोबारा सीएम बनते हैं तो दोबारा से मतलब उनको कोई आपत्ति नहीं होगी। तब जब अभी कुछ साल पहले नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी एक जीता जागता उदाहरण है। दोस्तों, नीतीश कुमार ने 2014 की हार के बाद कुर्सी छोड़ी और जीतन राम मांझी को सीएम बना दिया, फिर जीतन राम मांझी तब से लेकर अब तक नीतीश कुमार की नाक में दम किए हुए हैं। इसके अलावा राहुल गांधी एक जीता जागता उदाहरण है। राहुल गांधी के ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे करीबी, जिनको राहुल गांधी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती थी, उन्होंने राहुल गांधी के पीठ में छुरा भोंका। इसके अलावा दोस्तों, उद्धव ठाकरे एक जीता जागता उदाहरण है। मतलब शिवसेना के इतने पुराने नेता थे एकनाथ शिंदे, उन्होंने उद्धव ठाकरे से ना केवल उनकी पार्टी छीन ली बल्कि उनकी उनकी अपनी पिता की बनाई हुई पार्टी से उनको बेदखल कर दिया, उनको चुनावी चिन्ह भी नहीं दिया उनका। इसके अलावा दोस्तों, अजीत पवार जिन्होंने अपने बुजुर्ग चाचा के पीठ में छुरा भोंका। तो ये ऐसे लोग हैं जो आज की राजनीति में अभी हालिया उदाहरण है, जो ये बताता है कि खून के रिश्ते भी धोखा दे जाते हैं। मतलब राजनीति ऐसी चीज़ है कि आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते कि आप किसी को सीएम बना दें फिर आप जेल से बाहर आएं तो वो भरोसे के लायक होगा। उसके बावजूद भी हेमंत सोरेन ने क्या एक गलत शख्स पर भरोसा किया, ये अपने आप में सवाल है जिसका जवाब हेमंत सोरेन को देना होगा। लेकिन ये दाव कितना लंबा चलेगा दोस्तों, चंपाई सोरेन अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा और बीजेपी ये क्यों कर रही है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि झारखंड की बात हो ही रही है तो एक बार हम महाराष्ट्र को भी छू लें। महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन क्यों नहीं हुआ इसकी वजह ये आर्टिकल आपको बता देगा। दोस्तों, महाराष्ट्र में मार मची हुई है, मतलब गदर गदर मची हुई है। अब अंग्रेजी अखबार का ये आर्टिकल बताता है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अजित पवार के काफिले को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, और एनसीपी ने देवेंद्र फडणवीस जो कि बीजेपी के कोटे से डिप्टी सीएम हैं उनसे कहा है कि जरा अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। मतलब एक डिप्टी सीएम के कार्यकर्ता दूसरे डिप्टी सीएम के कार्यकर्ता को घेर रहे हैं और वो डिप्टी सीएम अपने दूसरे डिप्टी सीएम से कह रहे हैं जरा इस पूरे के पूरे मामले में सफाई दीजिए। क्या गजब का खेल चल रहा है उस महाराष्ट्र में, जहां येन केन प्रकेन करके क्या क्या करके नहीं सरकार बनाई बीजेपी ने। ना तो लोकसभा चुनाव में इसका कोई फायदा हुआ और विधानसभा चुनाव में तो खैर आप देख ही लेंगे, मैं क्या बोलूं। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये जो तोड़फोड़ है इसका तो जीता जागता प्रमाण महाराष्ट्र है। मतलब महाराष्ट्र में जिस लेवल पर तोड़फोड़ की गई, जिस लेवल पर पार्टियां तोड़ी गई, सरकारें बनाई गई और किस तरह से बनाई गई, सबने देखा ना उसका क्या नतीजा निकला, बीजेपी को क्या हासिल हुआ इससे। क्या बीजेपी अभी ऐसी स्थिति में है कि वो इतनी सारी पार्टियों की सरकार बनाने के बावजूद भी एक शख्स को सीएम के तौर पर आगे पेश कर दे, सीएम के तौर पर आगे प्रेजेंट कर दे। अब बीजेपी की स्थितियां ये हैं कि एनडीए जिस स्थितियों में आज है वैसे ही जाएगा चुनाव में, ये भी नहीं पता। अजित पवार तो शरद पवार के पास दोबारा जाने को तैयार है। तो बड़ा सवाल ये है कि महाराष्ट्र में जो दुर्गति बीजेपी की तोड़फोड़ वाली राजनीति, तोड़फोड़ वाले शॉर्टकट की हुई, क्या वही दुर्गति झारखंड में भी होने वाली है। दोस्तों, झारखंड में जिस तरह से चंपाई सोरेन ने अपनी पार्टी से अलविदा किया और
बीजेपी के बहुत जल्द वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं या जो भी उनका फैसला होगा, इसको लेकर बहुत सी बातें सोशल मीडिया में तैर रही हैं। गोदी मीडिया आपको बता रहा होगा कि कितना नुकसान, कितना भारी भरकम नुकसान जेएमएम को होने वाला है, हेमंत सोरेन को होने वाला है, इंडिया गठबंधन को होने वाला है झारखंड में। झारखंड में बहुत भयानक दुर्गति होने वाली है इंडिया गठबंधन की इस फैसले की वजह से, क्योंकि पूर्व सीएम शामिल हो सकते हैं बीजेपी में या पूर्व सीएम इंडिया गठबंधन के खिलाफ हो सकते हैं। उन तमाम दलीलों को काटते हुए मैं आपको एक खबर दिखाना चाहती हूँ दोस्तों। ये तो खैर चंपाई सोरेन है, एक कार्यकर्ता, एक नेता, एक वरिष्ठ नेता थे जेएमएम के। ये हैं सीता सोरेन। दोस्तों सीता सोरेन बाकायदा जो सोरेन परिवार है उसका हिस्सा है। जेएमएम के संस्थापक हैं शिबू सोरेन, उनकी बहू परिवार के खिलाफ जाकर बीजेपी की लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनी थी। ना केवल प्रत्याशी बनी थी बल्कि अपनी अपने परिवार की पार्टी जेएमएम के खिलाफ खूब प्रचार किया था, मोदी जी के नाम की माला जपी थी। क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ दोस्तों। सीता सोरेन को न केवल हार का मुंह देखना पड़ा बल्कि शिबू सोरेन के खासम खास माने जाने वाले नलिन सोरेन से बहुत बुरी तरह से उन्हें हारना पड़ा। और ये इस बात का प्रमाण है कि जेएमएम पार्टी के अंदर तो छोड़िए, परिवार के अंदर बीजेपी ने एक तरह से घुसपैठ करने की कोशिश की और परिवार के एक शख्स को परिवार के ही दूसरे खासम खास शख्स के खिलाफ खड़ा किया तो नहीं चला होता। सीता सोरेन चुनाव हार गई, वो सीता सोरेन जो कि शिबू सोरेन के बक्की बहू है, मतलब उसी परिवार का हिस्सा है, वो जब अपने परिवार से, अपने परिवार की बनाई हुई पार्टी से अलग हुई तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा दोस्तों कल मैं आपको इस वीडियो के जरिए पूरे सिलसिलेवार तरीके से बता चुकी हूँ कि इस चुनाव में कितने बड़े स्तर पर अलग अलग पार्टियों ने नाराज नेताओं को या फिर पाला बदलने वाले नेताओं को, जो एंड वक्त में चुनाव की गर्मी समझ के पार्टियां बदलते हैं, उन पाला बदलने वाले नेताओं को एक तरह से नकार दिया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों चाहे बीजेपी के हों। अलग अलग पार्टी से आए हुए नेताओं को न केवल लोगों ने नकार दिया बल्कि उत्तर प्रदेश में तो खुद बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं, बीजेपी की रिपोर्ट कहती है कि बीजेपी को भीतरघात का सामना करना पड़ा। कम से कम 100 विधायक उसके खिलाफ हो गए थे, तो ये बीजेपी के 100 विधायक क्यों खिलाफ हुए थे उनके? क्योंकि बड़े स्तर पर ना केवल उन लोगों को टिकट दिया गया जिनको लेकर भारी एंटी इनकम्बेंसी थी, बल्कि उन लोगों को भी टिकट दिया गया जो बाहरी थे, तो दूसरी पार्टियों से आते थे। तो ये बात सही है दोस्तों कि एक वक्त में बीजेपी का ये शॉर्टकट चला जिसमें आप पार्टियों में भीतरघात कर दीजिए, तोड़फोड़ कर दीजिए, तोड़फोड़ करके सरकार बना लीजिए, लेकिन वो वक्त अब निकल चुका है दोस्तों। आज की राजनीति में किसी भी दाव की जो शेल लाइफ है ना, बहुत कम है। पहले की तरह नहीं है, 10-10, 12-12, 20-20 साल एक तरह की राजनीति चल रही है। शेल लाइफ किसी भी इस तरह के पैतरे की बहुत कम है। पिछले कई सालों में भारत की राजनीति में जिस तरह की तोड़फोड़ की राजनीति खुलेआम हुई है, ना केवल उसको ग्लोरीफाई किया गया बल्कि उसका जश्न मनाया गया, उससे जनता अजीज आ चुकी है। और ये उसका प्रमाण है कि अलग अलग पार्टियों को उसके नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि जो लोग ये सोचते हैं कि झारखंड में जो हो रहा है उसका बीजेपी को बहुत फायदा होगा, वो जाके महाराष्ट्र में झांक ले एक बार। बीजेपी को कितना फायदा हुआ तोड़फोड़ का, महाराष्ट्र उसका जीता जागता प्रमाण है। और यही वजह है दोस्तों कि महाराष्ट्र में चुनाव देरी से करवाए जा रहे हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र में जितना हो सके उतना वक्त दिया जा रहा है सरकार को, ताकि लाडली बहन की कुछ किस्तें तो आ जाएं अकाउंट में, ताकि कुछ लाडली बहनें तो खुश हो जाएं जो अभी अभी ऐलान किया गया है एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये दो ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें दोस्तों तो ज़रूर करें, क्योंकि इसी के जरिए आप मेरी फ्री जर्नलिज्म को, इस आज़ाद पत्रकारिता की मुहिम को आगे बढ़ाते हैं।